नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्नाटका की कौन सी 3 प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किस बेसिस पे पीपल ऑफ कर्नाटका वोट फॉर देयर पॉलिटिकल लीडर एंड कौन सी ऐसी 2 प्रोमिनेंट कास्ट्स हैं कर्नाटका में जिसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो करने में लगी हुई है। वील ऑल्सो टॉक अबाउट कर्नाटका थ्रू एन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं विच हैव प्रोमिनेंस इन कर्नाटका। सबसे पहली हो गई भारतीय जनता पार्टी, जिसके करंट प्रेजेंट डे सीएम फेस हैं बीएस येदियुरप्पा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके प्रेजेंट करंट डे सीएम फेस है सिद्धारमैया, और जनता दल सेक्यूलर ऑल्सो नोन एज JDS, जिसके प्रेजेंट डे सीएम फेस है एचडी कुमार स्वामी। दीज 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स इन द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कर्नाटका। नाउ कर्नाटका स्टेट की हिस्ट्री जानना भी बहुत जरूरी है कि कर्नाटका बना कैसे। तो 1956 में जब स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, उस वक्त was when the state of Mysuru was formed। तो कर्नाटका तब एग्जिस्ट नहीं करता था, उसका नाम कर्नाटका भी नहीं था। It was only in 1973 when it was renamed as Karnataka, and that time the chief minister was देवेंद्र उर्स। तो कांग्रेस की ही सरकार रही थी काफी सालों तक, एंड कर्नाटका was a Congress bastion। It was only in 1983 when a major tectonic shift happened in Karnataka। इस वक्त जनता पार्टी की सरकार कर्नाटका में आ गई थी। जनता पार्टी फॉर कॉन्टेक्स्ट इज द पार्टी जो एमरजेंसी के बाद कांग्रेस से अलग होके एक अलग आउटफिट बना था, जो कि जनता पार्टी थी। जो लोग इंदिरा सरकार के खिलाफ थे और एमरजेंसी के खिलाफ थे, जेपी मूवमेंट के अंडर जो जनता पार्टी फॉर्म हुई थी, तो वो पार्टी थी जो कर्नाटका में जीत गई। 2 सीएम्स लगभग रहे थे और सरकार ज्यादा स्थिर नहीं थी। तो द नेचुरल आउटकम ऑफ दैट वाज कि 83 के बाद 89 में कांग्रेस पार्टी फिर से वापस आ गई और जीत गई। लेकिन 89 के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट फिर से कर्नाटका में हुआ, जब 1993 में जनता दल की सरकार बनी। अब अगेन फॉर कॉन्टेक्स्ट, पहले जनता पार्टी थी, जनता पार्टी भी काफ़ी फ्रैगमेंट्स में बिखर चुकी थी, और जनता दल वाज एन आउटफिट दैट केम आउट ऑफ जनता पार्टी। इस बार चीफ मिनिस्टर बने थे एचडी देवेगौड़ा। एचडी देवेगौड़ा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर in the Karnataka politics, and we can also call him as a present day king maker। एचडी देवेगौड़ा जो है वो जो JDS के करंट चीफ मिनिस्टीरियल फेस हैं एचडी कुमार स्वामी, उनके पिता रहे हैं। और JDS अक्सर इस कंट्रोवर्सी में भी रहती है कि उनके काफ़ी परिवार के लोग जो है वो पार्टी चलाती हैं, और वंशवाद के कारण ये पार्टी हमेशा से विवादों में रहती ही है। एनीवे, तो जो देवेगौड़ा है वो चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन 1996 में देवेगौड़ा गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, क्योंकि जब अटल बिहारी जी की सरकार कुछ दिन लास्ट की थी, उस वक्त नेशनल लेवल पे जनता पार्टी के पास कोई ऐसा जनता दल के पास ऐसा कोई लीडर नहीं था। सो देवेगौड़ा वाज अ पर्सन हु स्टेप्ड अप एंड बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वहां से फिर से द पार्टीज स्प्लिट अप, इसीलिए वो सरकार केवल 1 साल के लिए ही लास्ट कर पाई। 1999 में देवेगौड़ा अगेन डिसाइडेड टू मेक अ मार्क ऑन द कर्नाटका पॉलिटिक्स, और उन्होंने अपनी एक और पॉलिटिकल आउटफिट की शुरुआत की, जो कि था जनता दल सेक्यूलर और JDS एज वी नो इट एज अ प्रेजेंट डे। हाउएवर जो इलेक्शंस थे उसमें फिर से कांग्रेस जीत गई। तो ये था 90s का ईरा, जो कि काफ़ी दिलचस्प था कर्नाटका पॉलिटिक्स में। और अगर आप सोच रहे हैं कि 90s ही दिलचस्प था, The 2000s has been even more mind-blowing when it comes to Karnataka politics. तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ सीधा 2004 में, जब कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस हुए थे और पॉलिटिकल क्राइसिस भी था। इस इलेक्शन के दौरान बीजेपी को मिले थे 79 सीट्स, कांग्रेस को 65 और जेडीएस को 58। टोटल असेंबली सीट्स जो कर्नाटका से होती हैं वो है 224 and to be able to get majority you need 113 seats. तो naturally ये तो थी एक हंग असेंबली। तो इसके दौरान क्या हुआ कि जेडीएस ने अलायंस कर ली थी कांग्रेस से, क्योंकि वो सेक्युलर पार्टीज हैं तो ऑफ कोर्स नेचुरल अलायंस ही बन गई एंड दे आर द वंस हु स्टार्टेड देयर ओन गवर्नमेंट। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करी, क्योंकि जेडीएस ने इन वे पलटी मार ली और वो कुछ ही महीनों के बाद बीजेपी के साथ मिल गई, इस शर्त पे कि एचडी कुमार स्वामी 20 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर रहेंगे और बाकी के 20 महीनों के लिए बीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो एचडी कुमार स्वामी ने 20 महीने के लिए अपनी चीफ मिनिस्टरशिप पूरी करी, लेकिन जब चीफ मिनिस्टरशिप हैंडओवर करने का समय आया तो वो फिर से पलट गए और सरकार जो थी वो गिर गई और प्रेसिडेंट्स रूल हो गया। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि कर्नाटका में काफ़ी इंस्टेबिलिटी रही है गवर्नमेंट्स के नाम पे, करीब करीब 6 बार प्रेसिडेंट्स रूल लग चुका है, क्योंकि कोई भी सरकार 5 साल की स्टेबल गवर्नमेंट एज सच नहीं दे पाई है। देवेंद्र ओरस जिनका मैंने नाम शुरुआत में लिया था उनकी ही 7 साल की सरकार रही थी। खैर 2004 के बाद अगली बार इलेक्शंस हुए 2008 में, और इस इलेक्शन के वक्त जो है जनता ने जेडीएस को अच्छे से पीनलाइज किया और बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिली, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा ने एक सिंपथी सीख करी थी कि उनके साथ धोखा हुआ है। इस बार बीजेपी को मिली 110 सीट्स, कांग्रेस को मिली 80 सीट्स, जेडीएस को मिली 28 सीट्स। लेकिन ये वाली जो सरकार थी वो भी काफ़ी विवादों में रही, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा पे काफ़ी एलिगेशंस लगने लगी, करप्शन चार्जेस लगने लगी और काफ़ी ही कंट्रोवर्शियल उनका टर्म रहा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें स्टेप डाउन करने के लिए बोला एज ए चीफ मिनिस्टर, और 2 नए चीफ मिनिस्टर उसी टर्म में रहे थे। इसी से नाराज़ होके येदियुरप्पा ने 2012 में अपनी खुद की एक नई पार्टी की शुरुआत की, जिसका नाम है कर्नाटका जनता पक्ष। 2013 में जब इलेक्शंस हुए फिर से, इस बार क्योंकि बीजेपी की सरकार भी काफ़ी अस्थिर रही थी, चीफ मिनिस्टर्स बदलते रहे थे, इसीलिए जनता ने इस बार कांग्रेस को फिर से मौका दिया और कांग्रेस को 122 सीट्स के साथ मेजॉरिटी मिल गई और इस बार चीफ मिनिस्टर बने थे सिद्धारमैया। इस करारी हार के कारण बीजेपी को काफ़ी धक्का लगा, इसीलिए उन्होंने 2014 में येदियुरप्पा को बोला कि वो वापस आ जाएं, क्योंकि उनके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट वोट बैंक जो था बीजेपी का वो भी चला गया। तो 2014 में येदियुरप्पा ने अपनी पार्टी केजेपी को डिसॉल्व कर दिया और वापस बीजेपी के साथ मिल गए। अब सबसे रिसेंट जो असेंबली इलेक्शंस कर्नाटका में हुए हैं वो है 2018 में, और ये तो मैं क्या ही कहूँ कि काफ़ी ही पॉलिटिकल टर्मोइल कहते हैं जो इसके बाद आ गया था। अगेन रिजल्ट्स जो थे वो काफ़ी फ्रैगमेंटेड थे। इस बार जो रिजल्ट्स थे वो फिर से एक हंग असेंबली के तौर पे ही आए थे। तो इस बार क्या हुआ कि क्योंकि किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी, जो हाउएवर बीजेपी वॉज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन फिर से जो है जेडीएस और कांग्रेस ने हाथ मिला लिए। एचडी कुमार स्वामी को स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ने इनवाइट कर लिया बीजेपी को अपनी सरकार बनाने के लिए, उन्हें 15 दिन का वक्त दिया। बीजेपी ने काफ़ी तोड़ मरोड़ किया और ऑपरेशन कमल हम सबको देखने को मिला। ऑपरेशन कमल वॉज अ टर्म कॉइंड बेसिकली टू earmark the fact that how BJP has been poaching MLAs from other parties, giving them perhaps some kind of financial benefits or not. We don't know that. तो काफी MLAs ये जो विवाद था वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया और 2019 में बीजेपी इसमें सक्सेसफुल रही और काफी MLAs ने रिजाइन कर दिया और बीजेपी की सरकार में येदियुरप्पा ने फिर से अपनी सरकार बना दी। लेकिन इस पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद डेमोक्रेसी को काफ़ी क्वेश्चन किया गया कि क्या MLAs की ऐसे ओपन खरीद फरोख और जिस तरीके से MLAs को हॉस्टेज करके होटल्स में रख दिया जाता है, क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा पहले कांग्रेस के समय में भी बहुत होता था और अब नेचुरली बाकी पार्टीज भी इस चीज़ को रेप्लिकेट कर रही हैं। खैर, मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं आपको कास्ट डायनामिक्स के बारे में भी ज़रूर बताऊंगी। तो जो दो मेजर कास्ट्स हैं कर्नाटका में वो है लिंगायत्स और वोक्कालिगास। लिंगायत्स आर ऑलमोस्ट 17% और वोक्कालिगास आर अप्रॉक्सीमेटली 15%। अब किस पार्टी के साथ कौन है वो भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। जो कि जनता दल सेक्यूलर के साथ है, जो देवेगौड़ा की पार्टी है, उनके साथ हैं वोक्कालिगास, मुस्लिम्स, ओबीसी और दलित कॉम्बिनेशन जो कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। कांग्रेस का अपना सिद्धारमैया का है माइनॉरिटीज, ओबीसीज और दलित्स, और बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो कि है लिंगायत। लिंगायत वही लोग हैं जो BS येदियुरप्पा के साथ हैं। जब वो चले गए थे तो लिंगायत्स का वोट भी चला गया था और लिंगायत्स का वोट इतना इम्पोर्टेंट है कर्नाटका में कि कहते हैं कि दे कैन इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट 90 सीट्स आउट ऑफ 224 सीट्स इन कर्नाटका। तो बीजेपी का फॉर्मूला है लिंगायत, ओबीसी, SC और ST। तो सब पार्टी अपने सब ग्रुप्स बना के SC ST के करके, बट मेन वोट बैंक जो है वो बीजेपी का है लिंगायत्स और वोक्कालिगास जो कि ओल्ड मैसूर जिनका बैस्टन है वो है देवेगौड़ा के या HDकुमार स्वामी के प्राइम वोट बैंक। तो ये थी कर्नाटका की काफ़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल हिस्ट्री। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मैं और भी ऐसे स्टेट्स कवर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।